नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी को ना जाने क्या डर लगता है, ना जाने क्या डर लगता है कि विपक्ष का जरा भी मीडिया फुटेज अगर मिलता है, विपक्ष को जरा सा भी मीडिया का फुटेज मिलता है तो बेचैन हो जाते हैं। और जैसे ही विपक्ष कोई बड़े आंदोलन का आह्वान करता है, ऐलान करता है, कोई बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला होता है, तो उसको कैसे दरकिनार करने के लिए और टीवी से गायब करने के लिए कैसे लोकतंत्र का ब्लैकआउट किया जाता है, यह क्रोनोलॉजी आपको समझनी चाहिए। लोकतंत्र का ब्लैकआउट मैं क्यों कह रहा हूं यह मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। कल कांग्रेस पार्टी ने, देखिए खबरें आपके सामने हैं, कांग्रेस पार्टी कल देशव्यापी आंदोलन करेगी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। और दिल्ली के अंदर कांग्रेस के तमाम नेता सांसद राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री भवन का जो है वो घेराव करेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और प्रधानमंत्री आवास का जो है घेराव करेंगे। ये खबरें लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन ये खबरें केवल खबर में ही रह जाए इसके लिए बहुत बड़ी एक सुनियोजित तैयारी हो रही है। दो तैयारियां हो रही है, एक नहीं दो। और मीडिया को ऐसे मसाला दिया जाएगा, ऐसे चीजें दी जाएंगी कि मीडिया का ध्यान जो है वो कांग्रेस के प्रदर्शन पर जाए ना। मीडिया किसी तरह भी जो है उस प्रदर्शन को, कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं, कांग्रेस के वहां पर क्या हो रहा है, उसको दिखाए नहीं, इसके लिए बाकायदा तैयारी की गई है। क्या तैयारी की गई है? दो तैयारियां। एक तैयारी है महाराष्ट्र में और एक तैयारी है यूपी के अंदर। महाराष्ट्र में तैयारी है कल, जो काम अभी तक नहीं हुआ था, 35 दिन के करीब हो गए हैं महाराष्ट्र में सरकार बने हुए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार अभी तक बगैर मंत्रिमंडल के चल रही थी। केवल दो ही व्यक्तियों ने शपथ ली थी, एकनाथ शिंदे ने शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। अब आप खबरें देखिए, कल जो है वो साथ साथ जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से और बीजेपी की तरफ से, कल जो है वो मंत्रिमंडल के विस्तार में उनके नेता मंत्रिमंडल पद की शपथ ले सकते हैं। तो एक बड़ा इवेंट जो है वो महाराष्ट्र से रहेगा। ये खबरें लगातार आप देख रहे हैं, आपके सामने खबरें हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ा इवेंट जो है वो ऐसा तैयार किया गया है कि कोई भी चैनल हो वो इसको मिस नहीं कर सकता है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकता है, उसको दिखाना ही दिखाना पड़ेगा कि देखिए महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, मंत्रिमंडल में जो है वो मंत्री शपथ ले रहे हैं। ये चैनलों को दिखाना ही दिखाना होगा। और दूसरा वाला तो इससे भी बड़ा है। दूसरा वाला जो प्रोग्राम तैयार किया गया है, वो प्रोग्राम तैयार किया गया है, ये खबरें आप देखिए। ये कल जो है 5 अगस्त को 2 घंटे के लिए मीडिया को, जिस वक्त में यहां पर प्रोटेस्ट चरम पर होगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, सांसद जब सड़कों पर होंगे, उस वक्त में अयोध्या के अंदर क्या कुछ बना है, किस तरह से चीजें हुई है, वो सारा कवरेज जो है वो दिखाया जाएगा। तो आप सोच करके देखिए कैसे विपक्ष को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है टीवी से। टीवी के ऊपर कांग्रेस का प्रोटेस्ट ना चले, महंगाई पर, बेरोजगारी के ऊपर लोगों का दिमाग जाए ही नहीं, लोगों को समझ में ही नहीं आए कि हाँ महंगाई पर विपक्ष अगर प्रदर्शन कर रहा है तो हमें देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, या विपक्ष का प्रदर्शन जरूरी है नहीं जरूरी है। पूरी तरह से आप देखिए, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट दिखाएगा मंदिर निर्माण 5 अगस्त को, यानी कल, 2 घंटे मीडिया कवरेज की छूट, गर्भगृह और रेटिनिंग वाला वॉल का जो है काम चल रहा है। तो कहां कहां पर कौन कौन सा वो भवन बन गया है, क्या क्या चीजें बन गई है, उसके लिए बाकायदा सारे मीडिया चैनल को पास जारी किए जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस खबर में आगे है इस खबर में कि किस तरह से 2 घंटे के लिए कैमरामैन के साथ में रंग महल बैरियर या ट्रस्ट कार्यालय पहुंचना होगा। तो तमाम जो चैनल हैं उनको पहले से पहुंचना होगा, और सब लोग पहुंच गए होंगे, सब लोगों ने जाहिर तौर पर पहले ही पास वगैरह कर लिया होगा, सब लोग अपना अयोध्या के अंदर जाकर के होटल बुक करवा चुके होंगे, और सुबह से ही जो है वो भव्य राम मंदिर की तस्वीरें आपके सामने तैरती रहेंगी कि देखिए राम मंदिर में ये हो गया है, वो हो गया है, यहां तक पहुंच गया है, वहां तक पहुंच गया है। लेकिन कांग्रेस अगर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ पहुंचेगी तो उसको कैसे ब्लैकआउट किया जाएगा, इसमें देखिए आप। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे मीडिया को राम मंदिर निर्माण स्थल के लिए बुलाया।
मीडिया के लोग अपने कैमरामैन के साथ में रंग महल बैरियर या ट्रस्ट कार्यालय पहुंच करके निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जान सकते हैं। मीडिया के सहयोग के लिए विहिप ने प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा रंग महल बैरियर खुद मौजूद रहेंगे। चंपत राय ने, अभी चंपत राय वही है जो ये राम जन्मभूमि घोटाले का जब मामला सामने आया था तब इनका खूब नाम उछला था, लेकिन वो घोटाला कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खबरें टटोलते रहिए आपको खबरें नहीं मिलेंगी। वो जो बताया था कि किस तरह से चंद घंटों के अंदर जो है वो इतने करोड़ में जमीन खरीदी और इतने करोड़ में वो जमीन बेच दी, उसमें भी चंपत राय का नाम सामने आया था, लेकिन वो कहाँ चीज़ें चलेगी मालूम नहीं है। चंपत राय ने बताया कि पहले मीडिया को मंदिर निर्माण दिखाने के लिए 1 जून को बुलाया गया था। देखिए आप, इस समय पर मंदिर के गर्भगृह फिलिंग रिटेनिंग वॉल का निर्माण काम तेजी से चल रहा है, इसे देखने के लिए मीडिया को दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया है। तो सारी चीजें किस तरह से प्लानिंग के तहत हो रही है, किस क्रोनोलॉजी के तहत हो रही है, इसको आप समझ सकते हैं। और जो बात मैंने शुरुआत में कही कि लोकतंत्र का ब्लैकआउट हो रहा है, देखिए ये बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी कहा है और आगे भी फिर भी कहूंगा, जैसे आदमी जिंदा रहता है सांस लेकर के, और वो सांस लेने के 2 ही तरीके हैं, मुंह से सांस लेता है, नाक से सांस लेता है, लेकिन अगर दोनों को बंद कर दोगे आप तो आदमी मर जाएगा, वैसे ही लोकतंत्र जिंदा रहता है या तो सड़क से या संसद से। अब संसद के अंदर पहली बात तो विपक्ष की उतनी मौजूदगी नहीं है, दूसरी बात यह कि विपक्ष के ज्यादातर सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, और तीसरी बात यह है कि जब विपक्ष सड़कों पर उतरे तो फिर कैसे उसको ब्लैकआउट किया जाता है, ये सब आपके सामने है। सोच करके देखिए हमारे देश की क्या ये परंपरा है, क्या ये परंपरा हमारे देश की है कि किस तरह से एक पूरा गला घोट करके रख दिया जाए, कहीं से सांस लेने की जो है जगह ना छोड़ी जाए। अटल बिहारी वाजपेयी इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो बोलते थे तो नेहरू कहते थे कि आज लड़के ने अच्छा बोला, वो खुद आकर के उनकी सराहना करते थे, शाम को जब मिलते थे सदन में वो बोलते थे, नेहरू जी जो है उनके सामने बैठ करके हंसते थे मुस्कुराते थे कि हाँ ठीक कर रहा है लड़का, अच्छा बोल रहा है, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी नौजवान थे, और शाम को जब मिलते थे तो शाम को कहते थे आज तुमने अच्छा बोला। लेकिन आज देखिए कहां पर पहुंच गया है देश, आज देखिए कितना विश्वगुरु बन गया है कि अपने ही देश में अपनी ही विपक्षी पार्टियों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और कल आप देखिएगा तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको, कहां पर निकलने दिया जाएगा, कांग्रेस के मुख्यालयों के बाहर कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी होगी, बैरिकेडिंग की गई होगी और अभी लगातार की जा रही है, 3 दिन से लगातार बैरिकेडिंग हो रही है। तो बहरहाल खबर को समझिए, मुद्दे को समझिए, लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है ये बात, इस बात को समझिए, इस खबर को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि किस क्रोनोलॉजी के तहत देश में क्या क्या काम हो रहे हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन एजेंडे सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।